तो चलो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले आर्टिकल में हम लोग डिस्कस किए थे कि गॉस थ्योरम क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। इस आर्टिकल में अब हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बहुत ज़्यादा मतलब यूज है, और इसका बेसिकली जो है मैं कम से कम 8-9 एप्लीकेशन पढ़ाया हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, एक दो पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो आप पूरा प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले मैं गॉस थ्योरम का यूज करके पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलो जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी, द फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट चार्ज वो ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो अगर ये फील्ड लाइन इसकी ऐसे जा रही होगी, तो ये वाली, तो इसने कहीं पर यहाँ पर कुछ आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी होगा, तो इस आर डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ फील्ड क्रिएट किया होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो मैं गॉस थ्योरम से डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। चलो तो अगर सबसे पहले इसको करने के लिए मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो ये मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऐसे एस्पियर ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला एस्पियर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 3D व्यू, यहाँ पर देखो तो ये एरिया, ये यहाँ पर देखो ये प्लस की इसके अंदर है, फील्ड लाइनें यहाँ से ऐसे जा रही हैं। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक सरफेस डीएस लिया हूँ, और ये एरिया यहाँ पे डीएस ऐसे है, ठीक है। कहीं भी ले लो आप, यहाँ भी ले लो, ठीक है, इसके ऊपर ले लो, तो ये एरिया डीएस वेक्टर इधर आएगा, ठीक है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर आएगा, समझ रहे हो। 2D व्यू में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से तुम देखोगे, अगर 2D व्यू में मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, तो 2D व्यू में तुम यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक 2D व्यू भी बना देता हूँ ऐसे, तो ये यहाँ से 2D व्यू ऐसे आ जाएगा, एक स्फीयर आ जाएगा इसका, ये 3D व्यू है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर कोई अगर एरिया लोगे, छोटा एरिया लोगे, तो उसका एरिया वेक्टर तो बाहर आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आएगी यार। तो थीटा दोनों के बीच कितना बना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाहर, थीटा बना दोनों के वेक्टर के बीच 0 डिग्री। उसी तरह से यहाँ 3V, ये एरिया डीए या डीएस ले लो, ब्लैक वाला ये वाला, तो ये एरिया वेक्टर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आएगी, ये 3D व्यू है, तो थीटा बना 0। दोनों वेक्टर, ई वेक्टर और डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर, कुछ लोग डीए से डिनोट करते हैं, कुछ लोग डीएस से डिनोट करते हैं, दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये तो गॉस थ्योरम का मतलब, ये आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिए। अब गॉस फ्लक्स निकाल लेते हैं, देखते हैं फील्ड आता है, तो चलो फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन गॉसियन सरफेस। द फ्लक्स, यहाँ लिखूंगा फ्लक्स एसोसिएटेड, यहाँ पे फ्लक्स कितना एसोसिएट हुआ है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स है, गॉस का थ्योरम लगा दूंगा भाई, गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस गॉस लॉ मैं लिख सकता हूँ इस क्लोज सरफेस के लिए, ई ए लाइन, ठीक है। तो अब मुझे ई तो चाहिए भाई ना, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन इस सरफेस का, मुझे ई चाहिए, तो ई चाहिए तो मैं ई को इंटीग्रेट, यहाँ पे देखोगे इसको जब खोलोगे तो ये मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखोगे चार्ज इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, और ये डी एस, और यहाँ से सरफेस, और कॉस 0 1 हो गया, चार्ज इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट, कुल कितना चार्ज आया, पहले से ही मैं ही तो रखा हूँ यार, तो सबसे पहले तो चार्ज इसके अंदर क्यों आया है। तो इस लाइन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया और cos 0 1 हो गया, तो ये डी एस इंटीग्रेशन, इस सरफेस का इंटीग्रेशन, और इधर बना चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे सरफेस को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जोड़ दोगे, तो इस पूरे सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा वो 4πr² होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, देखो अगर फाइनली मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4πε नॉट आर का स्क्वायर, यही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये यहाँ से दिस इज बेसिकली द फील्ड फील्ड ड्यू टू
फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और यही बात हमें यहाँ पे निकालनी थी, प्रूव करनी थी। तो गॉस थ्योरम का यूज करके मैं कैसे इसको डिराइव किया, आप इसका बेहतर तरीके से देख लेना। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होलो स्पीयर स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल का है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस